गुड मॉर्निंग सेवन क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, और उन्हें लर्न कर लिया होगा। अगर नहीं भी करा हो तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा और मुझे चेक करा लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे उन्हें पोषण मिलता है। इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्रीवियस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था। दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। वे अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? किसको यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और सनलाइट को यूज़ में करके। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। बट वॉट अबाउट द एनिमल्स? लेकिन एनिमल्स नहीं कर सकते ऐसे, तो एनिमल्स क्या करते हैं? दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्ट बाय ईटिंग एनिमल्स डेट ईट प्लांट्स। या तो डायरेक्ट प्लांट्स को खा के, जैसे हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स, जो एनिमल्स को खा के। तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड है? वो है तो प्लांट पे ही डिपेंड। जैसे ये देखो, ये सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, तो तुम्हें इन्हें डिवाइड करना है कि ये किस में इंक्लूड है, हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में या ओमनिवोर्स में आते हैं। इस टेबल को तुम्हें फिल करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। वी हैव सीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। हमने देखा होगा एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का डिफरेंट टाइप का फूड होता है, सब अलग अलग टाइप का फूड लेते हैं। बट हैव यू एवर थॉट वॉट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? डिफरेंट टाइप का फूड तो लेते हैं, लेकिन उस फूड का हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, किस टाइप से वो वर्क करता है? द फूड सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इन एनिमल्स बॉडी इन टू सिंपलर सब्सटेंस विच कैन बी देन यूटिलाइज्ड बाई द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी। जो फूड सब्सटेंस होता है वो ब्रोकन डाउन होता है एनिमल्स की बॉडी में, किस में? सिंपलर सब्सटेंस में, जो आगे जाके किस में यूटिलाइज हो जाता है? बॉडी के द्वारा, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व 5 स्टेज। जो हम ये न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एनिमल्स को, उसमें 5 स्टेज में डिवाइड करा गया है। मतलब 5 स्टेज में उसको हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे हमें फिर एनर्जी मिलती है, कैसे वो वर्क। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इन्वॉल्व टेकिंग ऑफ फूड थ्रू द माउथ इनटू द ओरल और माउथ कैविटी। वह प्रोसेस जिसमें किसको लिया जाता है, फूड को क्या करा जाता है, लिया जाता है माउथ के थ्रू, माउथ कैविटी में। ओके, नेक्स्ट सेकंड है डाइजेशन। ओके, अब हम फूड कहाँ आ गया, हमारे माउथ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा? डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो ये डाइजेस्ट, हमने फूड जो माउथ कैविटी में आ गया, अब क्या होगा, इसका ब्रेकिंग डाउन होगा, इसका फूड को तोड़ा जाएगा किस में? सिंपलर सब्सटेंस में, सॉल्युबल सब्सटेंस में। किसके द्वारा? डाइजेस्टिव जूस के द्वारा। ओके, थर्ड पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाई विच द फूड इज द सॉल्युबल फ्रॉम पासेज इन टू द बॉडी फ्लूड्स सच एज ब्लड। अब क्या होगा, ये जो लिक्विड फॉर्म में जो फूड आ गया है वो क्या होगा, अब ब्लड के थ्रू पास होएगा। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब ड्यूरिंग एसिमिलेशन द सिंपलर मॉलिक्यूल्स विच आर एब्जॉर्ब आर चेंज इनटू सब्सटेंस विच आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर इट्स फंक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एसिमिलेशन मतलब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो अब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, बॉडी के द्वारा, ठीक है, जो हमारे फंक्शन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। इजेशन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो अनडाइजेस्ट पार्ट रह गया, सॉल्युबल पार्ट जो डाइजेस्ट पार्ट का था, उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया गया बॉडी के द्वारा, ठीक है, और वो तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देगा। और जो अनडाइजेस्ट फूड होगा उसे क्या एलिमिनेटेड कर दिया जाएगा, उसे बाहर एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये 5 पॉइंट है। सबसे फर्स्ट है इंजेशन, फिर है डाइजेशन, फिर है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन, ठीक है।
ये यहाँ पे देखो ओरल क्यूज में देखो, इट इज़ एस्टिमेटेड द एवरेज टाइम फॉर विच द फूड स्टे इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अराउंड 24 आवर्स। मतलब एक एस्टिमेट लेके चलते हैं हम कि जो पूरा फूड होता है जो हम लेते हैं वो 24 आवर्स तक हमारी कहाँ रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। तो ये अलग अलग कहाँ कहाँ रहता है, इट स्टे फॉर अबाउट 3-4 आवर्स इन द स्टमक, 3-4 आवर्स के लिए स्टमक में रहता है, 6 आवर्स के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड 6 आवर्स के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में एंड देन फाइनली 6 आवर्स इन द रेक्टम वेटिंग फॉर टू बी इजेस्टेड, और 6 आवर्स ही रेक्टम में रहता है इजेशन के लिए वेट करता है बेस्ड अपॉन। तो ये क्वेश्चन आंसर है 2, इनके आंसर्स दीजिए आप। वेयर डज द फूड स्टे इन 3-4 आवर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम, 3-4 आवर्स तक कहाँ रहता है, अभी भी पढ़ा है अपन अपन 3-4 आवर्स इन स्टमक, तो आंसर क्या होगा, स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज टाइम फॉर विच द फूड स्टे इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना टाइम तक रहता है, 24 आवर्स के लिए रहता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अपन पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं कि एनिमल्स में किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है। उससे पहले मैं तुम्हें एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ। उसको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे तुम अच्छे से उसको कर लोगे। ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है नेक्स्ट पेज पे। ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ है। सबसे पहले फूड कहाँ आएगा, माउथ में एंट्री करेगा, फिर फेरिंग्स में, फिर ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, देन स्टमक। स्टमक कैसा होता है, जे शेप का होता है एक, ठीक है, और इसके ऊपर एक क्या है, लीवर। लीवर कैसे कैप टाइप का रेड कलर का लीवर है, और इसी के पास एक गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर ये एक पोटली टाइप का होता है जो लीवर से कनेक्ट रहता है और इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, ठीक है। और यहाँ स्टमक के नीचे क्या है, पेनक्रियाज होता है, एक लीफ लाइक पेनक्रियाज होता है। ओके देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अंदर पूरी, ये बहुत लंबी होती है, लेकिन इसे स्मॉल कैसे बोलते हैं, इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कैसा होता है, कम होता है, मतलब कम मोटाई वाली होती है लेकिन लंबी ज़्यादा होती है। फिर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, ये मैंने नाम खुद लिखे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और फिर अनडाइजेस्ट फूड कहाँ आ जाता है, एनस में आ जाता है, जिसे बाहर थ्रू कर दिया जाता है। तो ये डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसे तुम्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके तो आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में। ओके।